नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर स्पोर्ट्स पर्सन का भर्ती होने वाला है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दोस्तों जिसमें ऑफिसर 17 पोस्ट और क्लरिकल स्टाफ 51 पोस्ट, टोटल वैकेंसी 68। दोस्तों कौन कौन किस किस खेल का खिलाड़ी का भर्ती होने वाला है मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। 8 स्पोर्ट्स पर्सन, 8 तरह के खिलाड़ी भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/Sports/2024-25/7। वेतन क्रम आप लोगों को दिया जाएगा, ऑफिसर स्पोर्ट्स पर्सन को 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये और क्लरिकल स्टाफ को 20,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये मिलेगा। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो और साथ में आप लोगों को स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, जो कि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों एज लिमिट ऑफिसर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 21 से लेकर 30 ईयर और क्लरिकल स्टाफ के लिए 20 से लेकर 28 ईयर। दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैटेगरी को 10 साल का और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी जितना भी रिजर्व कैटेगरी है जिनको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं उनको 5 साल मिलेगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जॉब कैटेगरी बैंकिंग जॉब है, आप लोग जानते हो। जॉब लोकेशन मुंबई हो सकता है या फिर ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद असेसमेंट लिया जाएगा। असेसमेंट यानी आपका खेल, आप खेल में कितना दक्ष हो उसका आपका जांच किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगा, इसका पैरामीटर क्या है मैं आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। 3 पैरामीटर है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस के आपका बेसिस पे आपका सिलेक्शन मतलब शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टिंग का 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर क्या क्या है आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ, वेट कीजिए। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई 24 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 14 अगस्त 2024। एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 750 रुपया और SC ST PWD कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पेमेंट मोड ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in। दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बाकी डिटेल्स पूरा देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मुंबई सेंटर से ये नोटिफिकेशन निकला है। अब यह शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, देख लीजिएगा। यहाँ पर शुरुआत में आपको कौन सा स्पोर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं दिया, जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, 23 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं। कॉल लेटर भी आप लोगों को ईमेल के थ्रू भेजेगा, जो लोग असेसमेंट टेस्ट और शॉर्ट लिस्टिंग होगा उन लोगों को ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करेगा, इसलिए टाइम टू टाइम ईमेल चेक करते रहना है कि आप लोग सिलेक्ट हुए हो कि नहीं, SBI की तरफ से कोई मैसेज आया है कि नहीं। इधर दोस्तों आप लोगों का एज लिमिट और क्वालिफिकेशन ग्रेड सब देखिए। दोस्तों ऑफिसर जो 17 वैकेंसी है, स्केल मिलेगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ऑफिसर स्पोर्ट्स पर्सन है, इसके लिए आप लोगों को लास्ट 3 साल देखिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन किया चाहिए आपको। लास्ट 3 साल यानी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ 2024 को, लास्ट 3 साल कितना होगा 2023, 2022, 2021 में लगातार आपको इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना होगा इंटरनेशनल स्टेज पर, ठीक है। ये जो 8 स्पोर्ट्स दिए गए हैं, इस 8 स्पोर्ट्स में ये जो 8 खेल दिए गए हैं, ठीक है, 8 खेल में आपको लास्ट 3 साल से अपने देश को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। और ये क्लरिकल पोस्ट के लिए दोस्तों आपको स्टेट लेवल, अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे अथवा अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे अथवा अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोगों को खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन दोस्तों मिल गए, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पर आप लोग मिल गए। नीचे देखिए एज रिलैक्सेशन, देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम 5 ईयर और 10 ईयर इन केस द स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST। अगर आप SC ST स्पोर्ट्स पर्सन है तो 10 साल और बाकी जितना भी रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल मिलेगा। दोस्तों बाकी आप लोग सैलरी जो पे स्केल है आप देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यह आपका स्पोर्ट्स
ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। पहले तो आपको, आप लोगों को जो सिलेक्शन किया जाएगा, असेसमेंट पैरामीटर आप देख सकते हैं, पैरामीटर वन में दोस्तों असेसमेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आप लोगों को किस प्रकार का मेडल मिला है, किस खेल में, किस प्रकार के टूर्नामेंट पे किस प्रकार का मेडल मिला है उसके आधार पर। और दूसरा पैरामीटर है आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस, आप कितना स्मार्ट हो, नॉलेज ऑफ गेम, आपको आप जिस गेम से हो उस गेम में आपका कितना नॉलेज है और आपका पर्सनैलिटी किस प्रकार से है उसकी टेस्ट। और तीसरा में है दोस्तों अचीवमेंट्स, एक्टिवनेस एंड फिजिकल फिटनेस, आप स्पोर्ट्स पे कितना एक्टिव हो और आपका फिजिकल फिटनेस किस प्रकार है उसके आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट पैरामीटर देख सकते हैं आप, यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा और असेसमेंट लिस्ट कैसे है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को असेसमेंट, आपका स्पोर्ट्स असेसमेंट जो होगा, असेसमेंट के बेसिस पर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं होगा। दोस्तों कॉल लेटर फॉर असेसमेंट टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल लेटर फॉर असेसमेंट टेस्ट, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को सर्टिफिकेट, अब जो सर्टिफिकेट शो करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द कॉन्सर्न गेम, आप जिस गेम से हो उस गेम का जो डिपार्टमेंट है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन, उसकी साइन किया होना चाहिए। नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम, सेम गेम अपने गेम, इस तरह से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट प्रिफरेंस सिलेक्शन के मामले में जो पहला पसंद किया जाएगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को पहले चॉइस किया जाएगा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और सेकेंड प्रिफरेंस जो लोग अपने स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को, और उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए जिनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज मिला है उन लोगों को। और उसके बाद थर्ड प्रिफरेंस दोस्तों अपनी यूनिवर्सिटी लेवल का जो गेम है इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी के तरफ से अपने नेशनल लेवल पे खेला है और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला है तो आप लोगों को प्रिफरेंस दिया जाएगा। फोर्थ प्रिफरेंस दोस्तों स्टेट लेवल, स्कूल लेवल, नेशनल स्कूल लेवल, और अगर आपको थर्ड पोजिशन तक प्राइज मिला है तो इस प्रकार से दोस्तों। बाकी का देख लीजिएगा, और भी दो क्राइटेरिया है किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, आप लोग यह सब प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस दिया हुआ है किस प्रकार से आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे, किस टाइप का, किस साइज़ का डॉक्यूमेंट्स, किस किस PDF फॉर्म में आप लोग अपलोड करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, आप लोग अपना ड्रीम पूरा कीजिए, और मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए अप्लाई लिंक और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए।